पिछले दिनों नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के साथ हिंसा देखने को मिली। अब गुजरात के आनंद जिले के बोरसाद शहर में सांप्रदायिक झड़प होने की खबर है। जानकारी के अनुसार बोरसाद शहर में हुए सांप्रदायिक झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना की खबर के बाद जिले के DSP पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालात पर काबू पाने के लिए भीड़ के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अहमदाबाद रेंज के महानिरीक्षक वी चंद्रशेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक छोटी सी अफवाह को लेकर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस पर जमकर पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। जानकारी के अनुसार शहर में हनुमान मंदिर के पीछे स्थानीय नगर पालिका भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश के बाद हिंसा भड़क उठी। मंदिर के पीछे नगर पालिका के स्वामित्व वाली एक खुली जगह है। सरकारी जमीन के बगल में एक दरगाह है। नगर पालिका की जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया गया था। जब पुलिस ने निर्माण रोकने की कोशिश की तो अल्पसंख्यक समुदाय ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए 50 से ज्यादा टीयर गैस के सेल छोड़ने पड़े। फिलहाल मौके पर SRP की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। देर रात के बाद किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई। इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आनंद जिले में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, जिसके कारण पुलिस पूरी तरीके से सख्त थी।